इंदौर के भाजपा कार्यालय पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी कार्यालय में हुई श्रद्धांजलि सभा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य विधायक मौजूद रहे, जहां उन्होंने स्वर्गीय प्रभात झा को याद किया। मध्य प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा का 26 जुलाई को निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार थे और उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां 26 जुलाई की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। शनिवार को इंदौर के भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भाजपा के सभी विधायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां उन्होंने दिवंगत प्रभात झा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके साथ बिताए पलों को याद किया। देखिए, प्रभात जी थे। प्रभात जी की तुलना किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती, क्योंकि मैंने उनको बहुत बचपन में देखा और एक छोटी सी कुटिया, छोटे से कमरे में रहते थे। इतना छोटा कमरा कि हमारा बाथरूम होता है, ऐसे कमरे में रहते थे। वहाँ से उन्होंने अपने जीवन प्रारंभ किया, पहले कार्यालय मंत्री, फिर स्वदेश के पत्रकार, फिर मीडिया के प्रभारी, जैसा कि मुगे जी ने बताया, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनना। बिहार में कोई व्यक्ति जन्म लेता है वो मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। इसका कारण है कि बड़ी कर्मठता और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने काम किया। ये लगा नहीं कि बिहार का व्यक्ति मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बन गया, एकदम मध्य प्रदेश में आके समरस हो गए। और हमें इस बात की खुशी है कि उन्होंने पार्टी संगठन को, विचारधारा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे काम किए। उनकी लेखन की प्रतिभा बहुत ज़बरदस्त थी, और जैसे मैंने कहा कि हर छोटी छोटी बात के लिए पत्र लिखना हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता। एक बार मुझे याद है, मैंने अभी जिक्र भी किया, रात को 3 बजे तक उनसे बात करता रहा मैं। उन्होंने बात करते करते कम से कम 50 पत्र लिखे होंगे, मुझसे बात करते जा रहे हैं और पत्र लिखते जा रहे हैं। कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष का जब पत्र आ जाता है तो गदगद हो जाता है, और सबको बताता है कि मेरे पास देखिए प्रभात जी का पत्र आया है। ये उनकी विशेषता थी, उनसे बहुत सीखा हमने, पर थोड़े जल्दी चले गए। मेरा ख्याल है वो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होते तो हमारे बीच में आज फिर से होते। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए, बंगाल में अराजकता हो तो सिर्फ अराजकता है, वहाँ लाइन ऑर्डर है ही नहीं। वहाँ कोई भी भद्र पुरुष रह नहीं सकता, वैसे बंगाल की हालत हो गई है। और मैं समझता हूँ कि बंगाल में इस प्रकार की घटनाएं होना बहुत आम बात हो गई है। रेप हुआ, हत्या हुई, जिस तरीके से उसके शरीर को, जो मैंने वीडियो देखा है, नोचा करोचा गया, ये तो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई एकदम जाहिल आदमी ही कर सकता है। और बंगाल में इस प्रकार के जाहिलों ने प्रवेश कर लिया है, मुझे लगता है कि बंगाल में के बारे में कुछ अलग से विचार करना चाहिए।